सागर जिले में अब तक सबसे अधिक लागत से निर्मित हुए सरकारी कार्यालय भवनों में शुमार। देवरी एसडीएम कार्यालय की 775 लाख लागत की बिल्डिंग अपने लोकार्पण के 5 सप्ताह बाद ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ज्ञात हो कि भवन के पश्चिमी कोने में क्षतिग्रस्त होकर मेटेरियल गिरने के कारण उक्त स्थल की बैरिकेटिंग की गई है। मामले में एसडीएम देवरी द्वारा निर्माण विभाग पीआईयू को पत्र लिखने की बात कही गई है, परंतु प्रशासन की नाक तले हुए इस गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य को लेकर जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। अभी जो ताजा मामला नवनिर्मित एसडीएम कार्यालय के लोकार्पण के बाद, उस समय भी लोगों ने देखा था और शिकायतें की थी कि क्रैक्स दिखाई दे रहे थे निर्माण कार्य, जबकि 6 करोड़ 60 लाख रुपए का है। मगर जितना उच्च स्तर की गुणवत्ता की हम लोग उम्मीद कर रहे थे, मेरे द्वारा स्वयं उस पर भूमि पूजन किया गया था। आनन फानन में लोकार्पण के माध्यम से, टगरोगन के माध्यम से लोकार्पण हो गया, मगर आज उसकी कलई खुल चुकी है। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। संबंधित विभाग के एसडीओ से लेकर ईई तक इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। वो मात्र अनुभागीय कार्यालय की बात नहीं है, चाहे वो हाई